जिंदगी की अनोखी अनसुनी अनकही बातें आपको यही कपूर फैमिली सुनाएंगे। ये हैं सुरेंद्र कपूर जी, उनकी वाइफ मिसेस पम्मी कपूर और ये उनकी बेटी पिंकी। भाई आज हम नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय मल्या, मेहुल चौकसी, इनके धोखों की बात नहीं कर रहे। हम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल के धोखों की बात नहीं कह रहे। हम बैंक, हॉस्पिटल और धार्मिक बाबों के धोखों की बात भी नहीं कर रहे। हम उन धोखों की बात करेंगे जो हम रोज खाते हैं और रोज रोज देते भी हैं। पर मैं नहीं धोखा देती जुनो। वैसे 18 साल में कपूर साहब को मैंने कभी भी धोखा नहीं दिया। पर उन धोखों की बात नहीं करेंगे हम। मैं दिखाती हूँ कौन से वाले धोखे। पर पहले आप सबको सब्सक्राइब करना और कैंटी बजाना मैं सिखाती हूँ। पहले सिंपल जया है, वीडियो के नीचे रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है ना, उस पे उंगली मारो, फिर इस कैंटी को दबाओ, फिर क्या है, मौज करो और हर वेडनेसडे हमारे वीडियो देखो और लाइक करना मत भूलना। यू नो कर लिया, चलो वीडियो देखो। हाय सिटी यार, तू एक काम कर, लैपटॉप लेके आज इधर ही आजा मेरे पास। हाँ रात को मूवी देखेंगे। और सुन अपनी मम्मी को कह के आना कि हमने रिपोर्ट तैयार करनी है। हाँ मैं भी यही कह दूंगी मम्मी को, ठीक है। चलो के बाय, सी यू मम्मी। स्वीटी इधर ही आ रही है, आज इधर रुकेगी और हम रात को आज देर तक पढ़ेंगे। आए हाय मेरा पुत्र, कितनी मेहनत करते हो तुम दोनों। पर सेहत का ध्यान रखा करो, कहीं हड्डियां ही कीर्तन करने लग जाए। जिनो बताओ कितनी मेहनत करते हैं जब बच्चे, पर मोहित टीचर फिर भी नंबर नहीं देते। जिनो मम्मी बस मैंने नहीं ये सब्जी खानी। चल नहीं खानी तो ना खा पुत्र, कोई बात नहीं, मैं भी चलाक हूं, खिला तो मैंने भी देनी है, सब्जी ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। और हड्डियां नहीं कीर्तन करने लग जाएंगी नहीं तो बच्चों की। देखो इसी सब्जी को इसी के पराठे में बनाकर टिफिन में भेजी। आज फिर समोसे तो और क्या, टिफिन भी खा लिया कर। मम्मी रोज स्कूल में सब्जी वाली पराठे बना के भेजती है, मैं तुम बताओ खिला देती हूँ। वो इनकी दारू नहीं बंद होती। पर ये पता है मैं क्या करती थी पहले रोकने के लिए? पहले मैं इनकी बोतलें तोड़ देती थी, पर ये और बोतलें ले आते थे। मैं भी चलाक हूँ ऐसी नहीं, मैं भी अब क्या करती हूँ पता है, इनकी आधी बोतल रोड़ देती हूँ और उसमें थोड़ी सी पानी भर देती हूँ मैं। आधी तो कम हुई, मैं भी खुश ये भी खुश। इसको इसी में खुश रहने दो, घरवाली से पंगा लेके हड्डियों का कीर्तन कराना है, मैं भी खुश ये भी खुश। मैंने तो अपना जुगाड़ रखा ही हुआ है, मैं भी खुश ये भी खुश। अच्छी नहीं वैसे आज की शादी, नया जोड़ा जच रहा था बहुत। पल्लू की वाइफ देखी, बड़ी सुंदर लग रही थी। शेर सवा जे देखो, जे है उसकी असली शक्ल।
ये तो बड़ी अजीब लग रही है। और नहीं तो क्या, ये तो कल पता लगेगा पल्लू को क्या असलियत क्या है। मेरा तो जी करता है मैं उसको फोन करके ही बता दूं जिन्हों। और तो चुप कर जा, झगड़ा करवाएगी, हड्डियों का कीर्तन हो जाना तेरा। वैसे हुआ तो पल्लू के साथ बड़े बुरा विचार है। ऐसा धोखा कपूर साहब के साथ नहीं हुआ। और कभी पढ़ भी लिया करो, हर टाइम खेल कूद। हार्लिक्स पिलाना नहीं, खेलने तो दो पिंकी को। बैठे बैठे सारी हड्डियां कीर्तन करने लग जाएंगी जुनो। और पढ़ाई कौन करेगा, इसका प्यो? और तुम्हारी उम्र में मैं स्कूल में टॉपर था। टॉपर? क्लास में नीचे से टॉपर आते होंगे। स्कूल में तो घसीट घसीट के लेके जाना पड़ता था इनको जुनो। वो कहते हैं टॉपर बच्चों को धोखा देते हैं। क्या पलाई जा रहे हैं, ऐसी हड्डियां भी कमजोर हो जा रही है हमारी तो। जी देखो इसमें दूध है कहां, मार जाना। मुझे तो ना सब धोखा ही लगता है। ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया। हाँ यार हैप्पी, हाँ चल यार मंडे से बैडमिंटन शुरू करते हैं। हड्डियां कीर्तन करने लग गई। हाँ ठीक, एक मिनट। मंडे नहीं, ट्यूजडे से स्टार्ट करो। चल ट्यूजडे से करते हैं, ट्यूजडे से है। हाँ चल ठीक है, ओके बाय। नहीं मंडे में क्या खराबी है, 18 साल से देख रही हूं आपका जे मंडे। 6 महीने पहले आपने कहा था कि मंडे से दारू सिगरेट छोड़ दूंगा जुनो, कभी मंडे से सैर शुरू कर दूंगा, मंडे से डाइटिंग करूंगा, मंडे से तुझे गड्डी भी सिखा दूंगा। आज तक तो वो मंडे आया नहीं, तो मैंने कहा इस बार से ट्यूजडे करके देख लो, कम से कम अपने आप को मंडे का धोखा तो नहीं दोगे ना। पर इतने सारे धोखे देखने के बाद मैं तो यही कहूंगी कि ये सब छोटे मोटे धोखे हैं। जे कौन सा 11,000 करोड़ का या अच्छे दिनों वाले धोखे हैं। और वैसे भी इस छोटे मोटे धोखों से तो जिंदगी में मजा ही बहुत आ जाता है। और मजा तो आपको भी बहुत आया हो ना ये वीडियो देख के, तो फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। और जे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जैसे मैंने बताया था वैसे सब्सक्राइब कर लो और घंटी जरूर दबाना। और हर वेडनेसडे को हमारा नया वीडियो देखना मत भूलना। बाय।